हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन केमिस्ट्री क्लास। आज अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट को कंटिन्यू रखने वाले हैं और चैप्टर नंबर फर्स्ट में पिछले वाली क्लास में अपन ने मोस्टली देखा है, एक बार देख लीजिए जिसमें क्या क्या अपन ने स्टडी किए हैं। मृदा से अपन ने स्टार्ट किया था, मृदा विज्ञान के बारे में पढ़ते हुए अपन मृदा के अवयव हैं उनके बारे में पढ़ा था, और मृदा के अवयव पढ़ने के साथ साथ फिर अपन ने देखा था मृदा परिच्छेदिका का निर्माण होता है वो कैसे होता है, मृदा परिच्छेदिका बनती कैसे है उसके बारे में अपन ने बात की थी, और उसके अंदर अपने कई स्तर देखे थे मृदा परिच्छेदिका के अंदर। L1 L2 स्तर जिस टाइप से होते हैं उस टाइप से अपने A B O A B C टाइप के स्तर थे, और सबसे निचोड़ा जो स्तर था वो सी स्तर अपन ने देखा था। इस प्रोफाइल के अंदर जो अपने आपको याद हो इस टाइप से अपन ने प्रोफाइल बनाई थी, और इस प्रोफाइल में जो अपने पास में अलग अलग टाइप के साइज स्तर थे उसमें सबसे नीचे वाला स्तर था कौन सा था, सी स्तर, और इसी स्तर का नाम ही क्या है आर स्तर। क्या बोलते हैं इसको, आर, और आर का मतलब होता है इसमें रोक, रोक का मतलब होता है चट्टान, क्या होती है चट्टान, चट्टानों का जो निर्माण होता है मिट्टी में कौन से स्तर में होता है सी स्तर में, या आर स्तर सबसे नीचे वाला स्तर होता है उसके अंदर होता है, तो काफ़ी डीपली जा करके चट्टानों का निर्माण इसके अंदर होने वाला है। अब किस रूप में होते हैं चट्टाने, होती क्या है, और चट्टानों से मिट्टी का निर्माण होता कैसा है, कैसे होते हैं, ये अपने इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अपन आज बात करने वाले हैं कि जो चट्टान है तो होती क्या है, चट्टानें होती हैं। स्टूडेंट्स आपने नाम सुना होगा एक लावा, लावा का नाम सुना है लावा, ये लावा मोबाइल नहीं है, लावा का नाम है ज्वालामुखी। क्या है, ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी है। आजकल अपन देखते हैं कि वहाँ इंडोनेशिया के अंदर है वो ज्वालामुखी फट गए हैं, अब ये ज्वालामुखी क्यों फटता है, और ज्वालामुखी के अंदर क्या निकलती है, ज्वाला, ज्वाला का मतलब होता है अग्नि, क्या होती है अग्नि। अब देखिए मिट्टी है, मिट्टी के अंदर अपन देखते हैं कि यहाँ पर ऊष्मा का अवशोषण करती है, और जब ऊष्मा का ये अवशोषण करती है तो ऊष्मा का अवशोषण होने के बाद इसके अंदर क्या हो जाती है, इसकी ऊर्जा बढ़ती है, एनर्जी बढ़ेगी, किस रूप में बढ़ती है, ज्वाला के रूप में, ऊष्मा इसमें कन्वर्ट हो रही है ज्वाला। अब ये जो ज्वाला होती है, जो अग्नि होती है, यह अग्नि इतनी ज्यादा पृथ्वी के अंदर हो जाती है किस कारण से होती है, ताप और दाब के कारण से, किस कारण से होती है, ताप व दाब के कारण से मिट्टी के अंदर इतना एक अलग ही रूप बन जाता है ताप और दाब का, जो ज्वाला या अग्नि के रूप में अचानक से बाहर की तरफ निकलता है। अब ये ज्वाला जो नीचे वाला स्तर होता है यहाँ से, ये वाला मिट्टी का स्तर है यहाँ से इस तरफ जिसको कहते हैं। अब यहाँ जो पदार्थ इससे ऊपर वाले पदार्थ कौन कौन से, यहाँ पर अपने स्तर देखे थे, यहाँ पर दो स्तर होता है, यहाँ पर ए स्तर होता है, यहाँ पर अपने पास में बी स्तर है, ये वाला ई स्तर पाया जाता है। अब यहाँ पर जब कोई कहीं पोषक पदार्थ पाए जा रहे हैं, कहीं पर कार्बनिक पदार्थ पाए जा रहे हैं, कहीं पर जल और वायु के पदार्थ पाए जा रहे हैं, ये सारे के सारे पदार्थ होते हैं यहाँ पर इसके अंदर विद्यमान है। जब ये वाले स्तर है यहाँ पर ताप और दाब ज्यादा होते हैं, इस वाले क्षेत्र के अंदर क्या होता है ताप और दाब क्या होता है सबसे ज्यादा होता है, तो अचानक क्या होता है जिस क्षेत्र के अंदर ताप और दाब बढ़ जाता है वहां पर क्या होती है, ये वाला नीचे वाला स्तर होता है ये तुरंत ऊपर की तरफ उड़ता है, किससे होता है, जो वायुमंडल की जो गैसें होती हैं वो क्या हो जाती है गर्म होने के बाद कहां उड़ती है ऊपर की तरफ उड़ती है। वायुमंडल की जो गैसे हैं या वायु जो अपने पास में गैसे थे नीचे पृथ्वी के अंदर जो अपने पास मिट्टी के अंदर वो गर्म हो गई, गर्म होने के बाद क्या करती है अचानक से एक लेवल आने के बाद है सब पर टूट जाने के बाद अचानक से ये यहाँ से बढ़ती हुई पूरे बाहर की तरफ निकलती है इस लेवल से, और यह इस रूप में अपने को दिखता हुआ ये इस रूप में अपने को बाहर निकलता है, इसको बोलते हैं ज्वालामुखी। क्या बोलते हैं इसको, ज्वालामुखी। अब ज्वालामुखी जो होता है मुखी, क्योंकि मुख पर आकर ही फटता है, ये मुख इस टाइप से खोल करके बाहर निकल जाता है। बाहर निकलने का मतलब क्या हो गया, ज्वाला यानी आग निकल रही है, मुँह से आग निकलने का मतलब हो गया, जैसे अपन जो राक्षस लोग होते हैं उनके मुंह से आग निकलती रहती है, वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, मुंह से आग निकल रही है किसके, पृथ्वी आग उबल रही है, भाई पृथ्वी आग उबल रही है तो इसलिए उबल रही है क्योंकि ताप दाब इसके अंदर क्या हो गया बढ़ गया, किस रूप में उबल रही है उसको अपन बोलते हैं अपने भाषा के अंदर ज्वालामुखी। ज्वालामुखी के अंदर जो स्टूडेंट जो पदार्थ होते हैं उनको क्या बोला जाता है, लावा। क्या बोला जाता है उनको, लावा बोला जाता है। अब ये जो पदार्थ है लावा, लावा के अंदर क्या होते हैं कार्बनिक है, कार्बनिक जो पदार्थ गैसे वगैरह है वो सारा मिक्स होकर के ये लावा, और लावा कैसा होता है ठोस पदार्थ, कैसे होते हैं भाई ठोस पदार्थ के रूप में जम जाता है, ठोस पदार्थ के रूप में जम जाता है, वायुमंडल की गैसों के संपर्क में आता है तो
ये वाला ज्वालामुखी वाला जो लावा निकला था वो जम जाएगा। तो ये जो लावा जब जम गया, जमने के बाद ठोस अवस्था के अंदर आ गया, और ये ठोस पदार्थ होते हैं यही किस रूप में मिल रहा है अपने को, चट्टानों के रूप में। किस रूप में मिल रहे हैं? चट्टानों के रूप में। इसके ऊपर पहाड़ वगैरह जो अपना देख रहे हैं, ये पहाड़ों का जो निर्माण हो रहा है, पहाड़ चट्टान या पहाड़ अपने पास में पहाड़। अब ये जो अपने पास में इतने प्रकार के हैं, ये क्या होती है चट्टाने जो हो गई पृथ्वी के अंदर दबी हुई है, वो चट्टाने पृथ्वी के बाहर भी दिखाई अपने को दे रही है। कौन सी चट्टाने पृथ्वी के बाहर दिखाई देती है, कौन सी नहीं दिखाई देती, उस आधार पर अगर बात करें तो चट्टानों के प्रकार है क्या अपने पास में, चट्टानों के प्रकार। तो चट्टानों के अगर प्रकार में बात करें तो सबसे पहले अपने पास में आती है वो आती है आग्नेय चट्टान। कौन सी आती है? आग्नेय चट्टान। दूसरी जो अपने पास में चट्टान है वो है औषधि। कौन सी है? औषधि चट्टान। कौन सी है? औषधि चट्टान। और इन दोनों चट्टानों की एक तीसरा रूप होता है जिसका नाम है कायांतरित चट्टान। कौन सी होती है? कायांतरित चट्टान। इसका मतलब है चट्टान कितने प्रकार की होती है स्टूडेंट्स? तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? आग्नेय चट्टान, इसके अलावा नेक्स्ट कौन सी है? औषधि चट्टान, और तीसरी कौन सी कहलाती है? कायांतरित चट्टान होती है। अब अपन बात करने वाले हैं चट्टानों के अंदर जो चट्टाने होती हैं एक एक के बारे में बात करेंगे, कौन सी चट्टान के अंदर कौन सा गुण पाया जाता है। उससे पहले अपन देखेंगे जो चट्टान होती हैं उन चट्टानों के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी किसके अंदर पाई जाती है, वो सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं वो होती है कौन सी? आग्नेय चट्टान। सबसे पहले अपन जो पढ़ने वाले हैं इस प्रकारों के अंदर वो सबसे पहले अपन विस्तार से बात कर रहे हैं किसकी? आग्नेय चट्टान की। सबसे इम्पोर्टेंट जो चट्टाने हैं कौन सी? आग्नेय चट्टान। कौन सी है? आग्नेय चट्टान। और आग्नेय जो चट्टान होती है स्टूडेंट्स ये सबसे अधिक ऊपर या सबसे अधिक मात्रा में यही चट्टाने पाई जाती हैं। जितने भी पहाड़ वगैरह सब देख रहे हैं वो किसमें हैं? आग्नेय चट्टानों में आते हैं। लगभग अपन देखें तो 70 से 80% जो अपने पास में जो चट्टाने हैं कौन से प्रकार की हैं? आग्नेय। 70-80-90% के आसपास जो चट्टाने अपने कौन सी चट्टाने होती हैं? आग्नेय चट्टाने होती हैं। और आग्नेय चट्टानों में क्या क्या आता है अगर आग्नेय चट्टानों की अगर हम बात करें तो इसके अंदर अपन देखें जिसके नाम अपने सुना होगा ग्रेनाइट, ग्रेनाइट वगैरह जो पत्थर हैं, ग्रेनाइट नहीं आता, ग्रेनाइट डलवाते हैं ये, बेसाल्ट, बेसाल्ट जो होता है ये वाला जो अपन पहाड़ देख रहे हैं, संगमरमर जो होता है पत्थर, कौन सा? संगमरमर का जो पत्थर होता है ये भी किसमें आता है? आग्नेय चट्टानों में। संगमरमर पत्थर होता है वाइट कोटा स्टोन वगैरह जो होते हैं इसको अपन बोलते हैं लाइम स्टोन वगैरह जो होते हैं सारे किस्म का कोटा स्टोन होता है, वैसे ये स्टोन जो अपने पास में ग्रेनाइट है, बेसाल्ट, बेसाल्ट वगैरह जो होते हैं ये सारे के सारे किसमें आते हैं? आग्नेय चट्टानों के अंदर आते हैं। अब आग्नेय का मतलब देखो आप, आग्नेय का मतलब होता है आग, क्या होता है? अग्नि। इसका मतलब इनका निर्माण होता है वो तपने के द्वारा, लोहा अपने पास में तपता है, तपने के बाद किसका निर्माण करता है? आग्नेय मतलब सबसे बाहर वाले जो अपने जो दिखाई दे रही चट्टाने, जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, पठार दिखाई दे रहे हैं बाहर की तरफ, जो पृथ्वी के ऊपर वाले क्षेत्र से ऊपर बाहरी क्षेत्र में आ गए हैं, आग्नेय का मतलब हो गया आग निकलने से बाहर की तरफ पृथ्वी के ऊपर स्पष्ट रूप से अपने को नजर आ रहे हैं। तो जो अपने पास में पहाड़ हैं, ये पठार हैं जो अपन देख पा रहे हैं, ये सारे पहाड़ वगैरह कौन से चट्टानों के रूप में पहाड़ हैं? कौन से चट्टान के रूप में? आग्नेय चट्टानों के रूप होते हैं। और आग्नेय जो चट्टाने होते हैं अपने पास में सबसे अधिक मात्रा में पृथ्वी के अंदर बाहर यांत्रिक रूप से पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पर आग्नेय चट्टान होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है बाह्य आग्नेय चट्टान और एक कौन सी होती है? आंतरिक आग्नेय चट्टान। दो प्रकार से हो सकती है, पहाड़ अंदर भी तो होते हैं पहाड़ बाहर भी होते हैं। जो आपको बाहर रूप से अपने को दिखाई देते हैं वो तो बाह्य आग्नेय चट्टान, और जो पृथ्वी के अंदर थोड़ा बहुत नीचे दबाव है, नीचे दबाव कौन सा कहलाएगा? आंतरिक चट्टान। कौन सी कहलाएगी? आंतरिक आग्नेय चट्टान कहलाती है। ओके, आंतरिक आग्नेय चट्टान कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आग्नेय चट्टानों के अंदर जो अपने पास में है आग्नेय चट्टान है उसका भी दो प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। आयतनात्मक रूप से अपन देखें तो बाह्य और आंतरिक प्रकार की चट्टाने होती हैं। रासायनिक रूप से अगर अपन देखें, रासायनिक रूप से इस रूप से देखें, अगर केमिस्ट्री के रूप में देखें तो भाई ये चट्टाने कैसी होती है? रासायनिक रूप से अगर देखें तो ये चट्टाने होती हैं स्टूडेंट्स कैसी हो सकती हैं?
ये अम्लीय प्रवृत्ति की हो सकती है। कैसे हो सकती है? अम्लीय प्रवृत्ति की चट्टान हो सकती है या क्षारीय प्रवृत्ति की चट्टानें भी ये हो सकती है। इसका मतलब होगा ये चट्टानें दो टाइप से हो सकती है। कौन कौन सी? सामान्य रूप से देखें तो वातावरण के हिसाब से देखें तो बाह्य और आंतरिक हो सकती हैं, और अगर दूसरे टाइप की अगर बात करें तो रासायनिक रूप से कैसे हो सकती हैं? अम्लीय प्रवृत्ति की हो सकती है और क्षारीय प्रवृत्ति की चट्टानें हो सकती हैं। इसका मतलब है अम्लीय प्रवृत्ति की चट्टानें होती हैं कौन कौन सी होती हैं जैसे अगर बात करें अम्लीय प्रवृत्ति की चट्टानें होंगी उनमें अम्लीय धातुएं, अम्लीय जो धातु होंगी उनकी मात्रा क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। क्या मिलेगी? अम्लीय धातुएं। पीपलोक की धातु आपने पढ़ा होगा, पीपलोक की जो धातुएं होती हैं वो इसके अंदर ज्यादा मिलती हैं। बोरॉन वगैरह है, फास्फोरस है, फास्फोरस के एल्युमिनियम वगैरह है, ये सब इसमें अम्लीय रूप में पाई जाएंगी। क्षारीय चट्टानों में क्या मिलेगी? क्षारीय चट्टानों के अंदर अपने को मिलेगी एसिडलोक की जो धातुएं होती हैं, एसिडलोक वाली जो धातुएं आपने पढ़ी होगी, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम वगैरह जो होती हैं, चिकनी जिसको अपन कहते हैं चिकनी परत जो होती है वो चिकनी परतें ही होती हैं। कई पहाड़ होते हैं चिकने पहाड़ होते हैं वो उसी टाइप से हैं सेम। तो ये जो इसके अंदर है क्षारीय प्रवृत्ति जो है वो एसिडलोक की धातु के कारण से, अम्लीय प्रवृत्ति के कारण से, पीपलोक की धातु की वजह से इसके अंदर पाई जाती है। ये हैं रासायनिक रूप से चट्टानों को, आग्नेय चट्टानों को भी मोस्टली दो भागों में बांटा गया जो सबसे भारी रूप से दिखाई दे। और अपन बात करें एग्जाम्पल से इसकी कौन कौन सी उदाहरण है, आग्नेय चट्टानों में कौन कौन से उदाहरण आते हैं? ग्रेनाइट आपके पास में है, बेसाल्ट आपके पास में है, संगमरमर का जो पत्थर होता है कोटा स्टोन वगैरह कई टाइप के, ब्लैक पत्थर है, वाइट पत्थर है, इसके अलावा पीला पत्थर जो होता है वो कहीं पर यूज किया जा रहा है। ये सारे आंसरिक आग्नेय चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। फिलहाल आज मैंने देखा कि चट्टानें होती हैं उनका निर्माण होता कैसे, और चट्टानें जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। फर्स्ट आज अपने बहुत ही स्टूडेंट आग्नेय चट्टान जो होती है वो क्या होता है उसके बारे में अपने स्टडी किए हैं। आज अपन बात करने वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करेंगे दो चट्टानें जो अपने पास में बची हैं कौन कौन सी, अवसादी चट्टानें और पायांतरिक चट्टानें ये। और फिर अपन बात करेंगे तीनों में आग्नेय, अवसादी और पायांतरिक चट्टानों के अंदर क्या अंतर पाया जाता है, इनकी बातें अपन आगे करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके थैंक यू।